जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एक्सरसाइज 25.1 पूरा ख़त्म कर दिए थे, लेकिन फिर आप में से किसी का कहना था कि चलो ऑब्जेक्टिव भी ख़त्म कर दें। मतलब ऑब्जेक्टिव आप कह रहे थे और हमको भी लगा कि ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर देते हैं, तो आज ऑब्जेक्टिव बताएंगे। और ऑब्जेक्टिव में देखिए, पहले ही हम क्लेरिफिकेशन दे देना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, और हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव बताते वक्त हम स्टेप को फॉलो ना करें, सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तो मेनली हम ऑब्जेक्टिव में आंसर पर फोकस करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा आंसर फोकस करेंगे, जहाँ संभव होगा वहाँ 90% केस में हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, लेकिन 10% कुछ वैसा भी मिल जाता है ऑब्जेक्टिव में जहाँ आपको कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है। तो आज फिलहाल वही चलेगा, 10% जो कि डायरेक्ट आंसर पे आपका बनेगा। एक्सरसाइज 25.1 नहीं, 25.1 का ऑब्जेक्टिव। अब देखिए क्वेश्चन है क्या ऑब्जेक्टिव में, अगर पहले नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें दिया हुआ है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तीन फंक्शन है एक्स, ये तब है जब एक्स लेस देन जीरो, दूसरा है वन, ये तब है जब एक्स इज इक्वल टू जीरो, और एक है एक्स स्क्वायर, ये वाला तब है जब एक्स बड़ा है जीरो से। देन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें तो चार ऑप्शन दे ले, लेकिन हम ऑप्शन के पीछे नहीं पागल रहेंगे, हम कहें ना कि ऑब्जेक्टिव है तो 10% डायरेक्ट आंसर भी बताएंगे, मतलब ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन 90% तो सॉल्यूशन ही बताएंगे फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ में। तो वही 90% में ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें ये ध्यान देना है कि एक्स जब जीरो से छोटा मतलब लेफ्ट साइड, और एक्स जब जीरो से बड़ा तो राइट साइड, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये चलेगा और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये चलेगा। बीच वाला क्या है दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमको चेक करना। और क्या है एफ एक्स बराबर जीरो लिखती है, ऐसा था लिखल क्या तो निकाले लिखा रहा होगा ना, गलती से लिखा गया जीरो, एफ एक्स इक्वल टू वाट। तो लिखते हैं फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर से लिखते हैं फॉर राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स के जगह पे 0-h लिखना पड़ेगा, और राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स के जगह पे लिखना पड़ेगा 0+h। लिमिट तिमिट सब चेंज हो जाएगा, मतलब लिमिट एक्स जो सोच रहे हैं वहाँ पे लिखना पड़ेगा 0-h टेंड्स टू जीरो, फिर फंक्शन जो सोच रहे हैं कि एक्स होगा वहाँ एक्स नहीं होगा, जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ आप चलेगा 0-h, हालांकि तो ख़त्म, तो डायरेक्ट एच इक्वल मतलब एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ ऐसे भी 0-h मतलब डायरेक्ट माइनस एच ही समझो, एक लाइन समझो माइनस एच डायरेक्ट ऐसे। अब एफ एक्स के जो है एफ एक्स के कहने का मतलब जो फंक्शन है एक्स के टर्म में वो एक्स है, तो यहाँ एक माइनस एच के टर्म में क्या हो जाएगा भाई, लिमिट
एच टेंस टू जीरो, तो जैसे एफ एक्स के लिए एक्स है तो एफ माइनस एच के लिए डायरेक्ट माइनस एच हो जाएगा। यही वाला कैसे पता चला? तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम पहले ही लिख दिए थे कि ऊपर वाला, राइट हैंड लिमिट नीचे वाला, बीच वाला से नहीं मतलब। अब अगर रख भी देते हो तो जीरो आ जाएगा। जैसे राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एक्स मतलब चलेगा ही जीरो प्लस एच टेंस टू जीरो, और एफ एक्स नहीं होगा वहाँ पे जीरो प्लस एच, वो तो अलग है, तो बात ही अलग है कि आप एक्स की जगह पे जीरो रख दीजिए तो जीरो और ये भी जीरो आ जाएगा, वो इत्तेफाक है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। फिलहाल लिमिट एच टेंस टू जीरो हम इसको कहेंगे सिर्फ एफ एच, और एफ एक्स के लिए एक्स स्क्वायर ऊपर वाला ना, क्योंकि अब राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन कि एक्स स्क्वायर, तो एफ एच के लिए एच स्क्वायर, बाद में लिमिट अगर रखोगे तो जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों तो एक ही जैसा आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जीरो और राइट हैंड लिमिट ये भी जीरो। तो दोनों अगर जीरो है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट है, और दोनों के दोनों जीरो हैं, तो ठीक है इसका आंसर जीरो होगा डायरेक्ट एकदम। क्योंकि पूछ भी तो वही रहा था कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो क्या होगा, एक्स टेंस टू जीरो, एक्स के जगह पे डायरेक्ट जीरो रखना नहीं है। जैसे एक ऐसा भी वैल्यू है जहाँ पे एक्स के जगह पे डायरेक्ट जीरो रख सकते, जीरो नहीं रखना है, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से आप अग्रसर रहोगे तो कितना मान आएगा। तो यहाँ तो वन है सर, यहाँ वन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स के जगह आप जीरो रखेंगे तो भी जीरो आना चाहिए, हो सकता है, लेकिन यहाँ वन दे ले तो उसके पीछे हमको नहीं पागल होना रहा। बाकी और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझना है तो पेशेंस रखो यार, तो कहते हैं ना यूट्यूब पे क्या आता है, सब्र करो सब्र करो, धीरे धीरे आप सब चीज़ समझोगे। लिमिट्स में ही अपना जी जान लगा दीजिएगा तो बाकी चैप्टर में क्या करोगे। ये तो आप लोगों की फरमाइश थी कि ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, तो हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ तो तालमेल नहीं खा रहा है सब, नहीं खा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट आप उस वैल्यू को रखोगे तो कुछ और मान आएगा, लेकिन इसका लिमिट वैल्यू एक नहीं होना चाहिए, अगर दिए हुए है होना भी नहीं चाहिए, हम उसको देखेंगे, इन्हें हम जो लाए हैं वही आंसर होगा जीरो। ताकि आप आंसर वंसर मिलाते रहिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें दिए हुए लिमिट एक्स टेंस टू वन और एक्स माइनस वन बटा में मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू फाट, ये क्या होगा देखते हैं क्या होगा। क्या डायरेक्ट हम वन रख सकते हैं? डायरेक्ट अगर वन रखें तो वन में से वन गया जीरो, यहाँ वन से वन गया जीरो, तो डायरेक्ट तो वन रखने के बारे में सोचो ही नहीं। ऐसे सिचुएशन में डायरेक्ट वन नहीं रखना चाहिए। जैसे बोले ना पिछले बार में क्या देखे आप कि एक्स के जगह आप जीरो रखे तो वन आया था सर, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ राइट हैंड लिमिट कुछ, तो डायरेक्ट नहीं रखा जाता है। हम लोग रख देते हैं वो अलग बात है, डायरेक्ट रखना नहीं चाहिए क्योंकि डायरेक्ट रखने पे जीरो बटा जीरो फॉर्म में आता है, जीरो बटा जीरो फॉर्म में अगर आ जाए तो उसके लिए फिर होता है कि आप उसको इस तरह से तोड़ मरोड़ कीजिए, इस तरह से कैलकुलेशन कीजिए कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म हो जाए। तो यहाँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ख़त्म करना है करो, और ना तो फिर लेफ्ट हैंड लिमिट के लेके चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग से और राइट हैंड लिमिट के लिए अलग से, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स की जगह पे वन माइनस एच और राइट हैंड लिमिट के लिए एक्स की जगह पे वन प्लस एच,
शुरू करते हैं। लिमिट एक्स के जगह पे वन माइनस एच टेंस टू वन, एक्स के जगह पे वन माइनस एच माइनस वन बटा में वन माइनस एच माइनस वन, इधर कट गया तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ समझो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ऊपर बच गया माइनस एच और नीचे मॉड ऑफ में माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच, और नीचे तो खैर मॉड ऑफ में है तो माइनस का सवाल ही नहीं, सही कैंसिल यानी कट कर माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया माइनस वन। राइट हैंड लिमिट जरा चेक करते हैं, लिमिट एक्स, एक्स तो रहेगा नहीं, एक्स क्यों लिखना है, एक्स के जगह पे वन प्लस एच टेंस टू वन, और एक्स माने वन प्लस एच माइनस वन, मॉड ऑफ वन प्लस एच माइनस में वन, वन से वन कैंसिल, वन से वन कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर एच और नीचे मॉड ऑफ है, नए मॉड ऑफ रहता तब भी प्लस में एच, इसे ही कैंसिल हो गया, तो एक, मतलब राइट हैंड लिमिट प्लस वन और लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन। अब क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एक जैसा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर लिमिट कहाँ से निकालो, कि डायरेक्ट आंसर बोलिए कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ऐसा ऑप्शन अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप टिक लगाइएगा कि इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल तो हम कहे थे कि जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होगा उसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से लेके चलेंगे, और जहाँ कॉन्सेप्ट बताना होगा जैसे इन सब क्वेश्चन में समझाना पड़ता है तो हम पूरा समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन लिमिट एक्स टेंस टू थ्री माइनस जीरो देखिए यहाँ पे जो कह रहा है ना कि इस तरह से जो आप देख रहे हैं ये डिनोट्स करता है किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और यहाँ बताया गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट ही एक तरह से है कि इनडायरेक्टली वही कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ही पूछ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जाहिर सी बात है कि एक्स की जगह पे
थ्री माइनस एच कर दो, हालांकि वो जीरो लिखे हुए लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए बता देते हैं, लिमिट और एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ थ्री माइनस एच लिखेंगे, टेंस टू थ्री, ग्रेटर इंटीजर्स यहाँ ये एक्स के जगह पे थ्री माइनस एच लिखेंगे, तो ये तो खैर कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ हो गया थ्री माइनस एच। अब देखो ये कंफर्म है कि लेस देन थ्री है, लेस देन थ्री, ये मानते हैं कि इसका वैल्यू तीन से छोटा है, यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये तीन से छोटा हो सकता है लेकिन ये दो से बड़ा होगा, इतना फिक्स है, क्योंकि h टेंस टू मतलब 0.0001 होगा कुछ समथिंग, यानी अगर लिखना भी चाहोगे तो 2.999, तो तीन से छोटा हो सकता है लेकिन दो से ही बड़ा होगा, तो हमको वही तो बताना पड़ता है। हम पहले भी बोले हैं, पिछले वीडियो में बोले हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि 2.99 से छोटा, इससे छोटा हो लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर्स हो, जैसे 2.99 से छोटा दो है, उससे छोटा एक भी है, उससे छोटा जीरो भी है, उससे छोटा माइनस वाला भी है, तो सब हमको नहीं ध्यान देना, सबसे बड़ा इंटीजर्स 2.99 से छोटा दो है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर इसका आंसर देखा जाए तो सिर्फ दो होगा और यही होगा आंसर दो। तो राइट हैंड लिमिट के पीछे तो जाना भी नहीं था, हमसे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा था, तो दो ही आंसर होगा, ऑप्शन तो है नहीं इसमें, डायरेक्ट आंसर बताना है तो दो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, अरे यार ये कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में उसको डाउट है, 3x दो बार लिख ले, ऐसे लिख ले 3x-3x-4, इसमें कुछ गलती है, 3x नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे 3x² होगा शायद, इस किताब में इतना मनी क्वेश्चन गलती है ना कि स्टूडेंट छोड़ टीचर भी अपने आप पे डाउट करने लगता है कि क्या हमको भी पढ़ाना आता है या नहीं आता है, ऐसा लगे लगता है, इतना सारा क्वेश्चन में गलती इसमें दे लें, हर कदम पे एक क्वेश्चन गलती है, लेकिन क्या करोगे प्रॉब्लम ज़्यादा है, हमको लगा चलो भाई बता देते हैं, और बिहार बोर्ड में लोग इसी से ज़्यादा बनाते हैं। एंड लिमिट लिमिट भी नहीं दिया गया, सिर्फ कह दिया गया कि एफएक्स, लिमिट भी नहीं बताया लिमिट क्या, लिमिट कुछ तो बोलते हैं कि एक्स टेंस टू फलाना ढकाना, हालांकि दो होगा क्योंकि दो और दो चल रहा है दोनों जगह, एफएक्स एग्जिस्ट, इसीलिए लोग खास करके एनसीईआरटी बताते, अधिकांश यूट्यूब जो है ना यूट्यूब पे पढ़ाने वाले यूट्यूबर सब एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में गलती होने का चांस नहीं रहता है, तो इसमें तो क्वेश्चन ही बहुत मिसप्रिंट रहता है। फिलहाल ये जो देख रहे हैं ना, दो से छोटा है एक्स, और यहाँ जो एक्स है दो से बड़ा है, तो दो के लिए आप कह सकते हैं कि ये वाला फंक्शन हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, और दो के लिए जो ये फंक्शन है वो हो गया राइट हैंड लिमिट, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट में काम करेगा और ये वाला राइट हैंड लिमिट में, तो हम कहेंगे टाइम वेस्ट, चलो करो टाइम वेस्ट करो,
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक्स बराबर, इसे दो है तो दो नहीं लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो दो में से एच हम घटा देंगे कुछ समय के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए तो एक्स का मान दो से बड़ा है, तो दो से बड़ा है तो दो से बड़ा जरा देखा दो, दो से बड़ा है भाई एक्स के मान, क्योंकि एक्स दो से बड़ा है। अब लिमिट उमिट सब बदलना होगा, जैसे एक्स टेंस टू कुछ भी लिखते हैं तो अब एक्स टेंस टू नहीं लिखेंगे, एक्स टेंस टू दो चलता है ना भाई, हम तो दो ही लेके चल रहे हैं, यहाँ चाहे वहाँ जहाँ भी लेके चलो, तो अब एक्स नहीं लिखेंगे, अब वहाँ लिखेंगे दो माइनस एच और टेंस टू दो, क्योंकि हम दो को ही फिक्स किए हैं, और एफ एक्स भी नहीं चलेगा एफ, और यहाँ चलेगा दो माइनस एच। इसी तरह से इधर भी जरा चेंज कर लें, लिमिट और एक्स नहीं, लिमिट एक्स जो लिखते हैं वो एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, तो एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे जो हम माने हैं, एक्स के जगह क्या माने, टू प्लस एच, तो टू प्लस एच टेंस टू, जैसे एक्स टेंस टू दो चल रहा होगा, ये वाला जो भी बोलो तो दो लिखेंगे, एफ एक्स ना एक्स माने इतना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ लिखना पड़ेगा दो प्लस एच। एक एक करके दोनों तरफ देखते हैं, दो से दो कैंसिल, इधर हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको तोड़ो, देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन चलेगा, तो ऊपर वाला लिखो थ्री और एक्स स्क्वायर मैंने टू माइनस एच के होल स्क्वायर है, माइनस में थ्री इंटू एक्स के जगह टू माइनस एच माइनस में फोर। हालांकि आप डायरेक्ट अगर जीरो रखते हो, जीरो यहाँ पर जीरो, तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ये चेंज नहीं हो रहा है, अनिर्धारित रूप में नहीं हो रहा, तो आप रख सकते हैं, आप पूरा आज़ाद हैं, तो तीन गुने यहाँ समझ लेना जीरो, तो ये तो हो गया चार, और माइनस में तीन गुने ये तो जीरो हो गया, तो बचेगा दो और माइनस में चार, सबको जोड़ घटा के देखें तो तीन चार के बारह, बारह में से छः भी गया तो छः बचा, और उसमें से चार गया तो दो बचा, तो दो, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया दो। जरा राइट हैंड लिमिट चेक करें, दो से दो कैंसिल, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो चलेगा। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन है टू और एक्स माने दो प्लस एच, क्योंकि वही है आप प्लस में के डायरेक्ट, अगर आप जीरो रख देते हो तो कोई नुकसान नहीं है, तो आप रख सकते हो जीरो, रख दिए जीरो तो हो गया दो दूनी चार आप प्लस में के। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम इतना क्यों तामझाम कर रहे हैं, एच माइनस एच प्लस एच, एक बार आप डायरेक्ट यहाँ दो रख दीजिए, दो के स्क्वायर चार किया बारह, सब घट हो क्या आ जाएगा, हाँ ठीक है वैसे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्यों यहाँ साबित करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कि एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट करता है तो बस करता है लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ये आया और राइट हैंड लिमिट ये आया, हालांकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगर बात करें तो फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, सो अगर ऐसी बात है तो लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों आपस में बराबर होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया दो, राइट हैंड लिमिट कितना था फोर प्लस के, तो के बराबर कितना हो गया चार को माइनस कर दो, अब दो में से चार जैसे ही घटेगा माइनस में आ जाएगा टू, तो के इक्वल टू यही होगा आंसर, के इक्वल टू माइनस टू। जरा हम भी आंसर चेक कर लें ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है, चौथा का ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 5, 5 में है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर और बटा में एक्स, हालांकि एक्स ग्रेटर दैन 0, अब दूसरा फंक्शन है टेन एक्स बटा एक्स, लेकिन ये है तब जब एक्स लेस देन 0, देन पूछा जा रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ये बतलाइए। देखो ये समझ में आता है कि यहाँ तो 0 दिया गया है ना, कि जिस पॉइंट पर हम लिमिट फाइंड करना चाहते हैं वो पॉइंट 0 है, तो 0 से बड़ा मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए आप ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करोगे, 0 से छोटा तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन। पहले अपने माइंड में ये सेट कर देना है कि लेफ्ट हैंड के लिए हमको नीचे वाला फंक्शन यूज करना होगा और राइट हैंड के लिए हम ऊपर वाला फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। लिखते हैं फिलहाल लेफ्ट हैंड लिमिट, जो आप सोच रहे हैं कि एक्स टेंस टू 0 है, चलो भाई थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, एक्स टेंस टू 0 क्यों रहे, एक्स बराबर 0 माइनस एच कर देते हैं, हालांकि कोई ख़ास फ़ायदा नहीं, लेकिन वही हमेशा की तरह लिखते आ रहे हैं तो इस बार भी लिखते हैं, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, दो तीन बार एक ही चीज़ को देखोगे तो एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच। लिखना स्टार्ट कीजिए, डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, आप चाहें तो लिमिट जो आप सोच रहे हैं कि एक्स टेंस टू फलाना ठिकाना रखेंगे वहाँ पे लिखेंगे 0 माइनस एच टेंस टू, जो भी था एक्स की जगह आप तो लिख दिए और 0 है तो 0, और फिर सोच रहे हैं कि फंक्शन लिखेंगे एफ एक्स, नहीं लिखेंगे एफ एक्स, एफ और एक्स की जगह आप लिखेंगे 0 माइनस एच, सेम चीज़ बा उधर हम राइट हैंड लिमिट के साथ भी करने वाले हैं लिमिट, और आपको लग रहा होगा कि एक्स लिखेंगे लेकिन एक्स की जगह पर हम ये वाला चीज़ लिखेंगे 0 प्लस एच और टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, एफ 0 प्लस एक्स लिखेंगे, अब दोनों ही तरफ सही से, हालांकि तो काटना छाटना है ये नहीं, तो एच टेंस टू 0, अब 0 माइनस एच को यहीं पे आप चाहो तो इम्प्लाइज्ड ऐसे भी समझ सकते हो कि एफ माइनस एच है इस तरीके से। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन है, ऊपर वाला तो राइट हैंड लिमिट है भाई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के नीचे वाला है तो नीचे वाले को इस्तेमाल करो, मतलब लिखो टेन माइनस में एच और बटा में माइनस एच लिमिट, हालांकि यहाँ तो भागा भागा देने की भी ज़रूरत है, माइनस माइनस कॉमन लेने की भी ज़रूरत है, कहानी ख़त्म और इसका मान होता है एक ही, तो बनाना भी नहीं, एक हो गया। जरा राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच मतलब इम्प्लाइज्ड नीचे क्यों लिखे यही लिख देते हैं, आप इसको डायरेक्ट एफ एच लिख सकते हैं, बैठाइए यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर है ना तो एच स्क्वायर देंगे और बटा में, ध्यान रहे कि ऐसा ही नहीं है कि कहीं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है, ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन हाँ साइन एक्स स्क्वायर है, यही है साइन एक्स स्क्वायर, तो एच स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, अब बटा में एच क्योंकि हम एच एच लिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि इस जगह पे एच स्क्वायर साइन थीटा जो होता है वो थीटा जगह पे एच स्क्वायर है, तो हम खुद से समझ सकते हैं कि एच गुना करते ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो एच से भागा भी देना पड़ेगा, क्यों ऐसे गुना भाग करते हैं, गुना भाग करने का कोई रीज़न, गुना इसलिए किया जाता है क्योंकि साइन एच स्क्वायर
अब बटा में एच एस पर इसका मान हो जाएगा वन और वो बचेगा सिर्फ एच। तो ये अगर वन हो गया और वहाँ अगर एच बच गया, यहाँ पर अगर एच बच गया तो एच जीरो रख भी देंगे तो जीरो हो जाएगा। सूर्यम क्यों नहीं रख दिए सर? देखो बाबू, अगर शुरू में आप जीरो रख देते हैं जाते तो साइन जीरो के मान जीरो, ऊपर भी जीरो और फिर नीचे भी जीरो, तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, तो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा ना। आप सोचिए कि अगर यहाँ पे जीरो रख देते हैं तो साइन जीरो के मान जीरो और यहाँ जीरो रख देंगे शुरू में तो जीरो बटा जीरो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ही जीरो तो जीरो। अब यहाँ देखो वन है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और अगर ऐसा नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें आंसर गलती है, पता नहीं वो आंसर क्या दे रहा है, लेकिन जिस हिसाब से आप क्वेश्चन लिखें उसके हिसाब से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एग्जिस्ट करवाना ही है ज़बरदस्ती तो आप यहाँ एक सस्पर नहीं लिख सकते, फिर यहाँ पे एक लिखिए तभी आएगा आंसर, लेकिन अगर आंसर देता है तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा यहाँ पर पाँच के डी सही आंसर है, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, छठा नंबर क्वेश्चन, छठा में कह रहा है कि सात आठ नौ दस बारह तक है ना, छठा है कि कहाँ गया है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस बी एक्स बटा एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो। दूसरा है के और एक्स लेस देन जीरो, देन टी एच एन देन फोर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स टू एग्जिस्ट के इक्वल टू वाट, के का मान पूछ रहा है। फिर देखो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन हम इसको बिना ऑप्शन के बताएंगे, मतलब कि पूरा हल करके बताएंगे, लेकिन एक बार क्लास का ज़रा टाइम देख लो, क्लास का टाइमिंग क्या हो गया, क्लास आधे घंटे का तो हो गया है। इसको चलो अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत लोगों को, मतलब बहुत सारे वैसे भी विद्यार्थी हैं जिनको चार घंटे पाँच घंटे पढ़ने का आदत होता है, तो टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे भी ये जो इलेवेंथ वाला क्लास चल रहा है, ये इलेवेंथ का क्लास है, और अभी बहुत सारे जो टेंथ के विद्यार्थी एग्ज़ाम दिए बहुत सारे के, किसी का भी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी तो टेंथ का रिजल्ट ही नहीं आया, तो अभी उतना क्यों प्रेशर लेके पढ़ रहे हो। कुछ लोगों को सिर्फ पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, पढ़ना होता है, पढ़ते जाओगे बाबू और आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। देखो हम इस बात के सख्त खिलाफ है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर टीचर अगर आपसे पूछते हैं तो उसका जवाब भी तो दीजिए, सिर्फ पढ़ने क्यों होगा, आप बताइए भी कि आप पढ़े क्या। और अगर आधा घंटा पढ़ते हो तो आराम से आप पचा लेते हो। इससे कहने का मतलब है कि कहीं मान लो आग लगाओ
गोइठा से लकड़ी से, और 20-25 मन पहले ही लकड़ी डाल दो। अरे वो आग बुझ जाएगा, पहले थोड़ा थोड़ा लकड़ी दो, आग को धड़कने दो, आग को धड़कने जाओ। जब आग पूरा एकदम बढ़ जाए ना, तब लकड़ी भर मार डालो। तब तुम जितना लकड़ी डालोगे सब लहर जाएगा, सब जल जाएगा। वैसे ही अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, अभी क्यों इतना मेहनत? फिर गुस्सा आप लोग मान जाइएगा, कहते मेहनत करना मना कर, मेहनत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, फालतू के मेहनत क्यों कर रहे हो? उससे अच्छा है कि आप बुक पढ़िए, किताब पढ़िए। फिजिक्स का ही किताब पढ़िए, किसी यूट्यूब पे कोई अच्छा टीचर है जो कॉन्सेप्ट के साथ बताता है तो उसका क्लास करो। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो बताते, जैसे हम भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। तो अगर कोई साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाता है ना बाबू, तो उसका क्लास पढ़ो। ऑब्जेक्टिव के फेरा में और आसमान पोर्ट के फेरा में अपना ज़िंदगी बर्बाद मत करो। चलो फिलहाल मिलते हैं कल, और ज़्यादा क्या बोलेंगे, तो बोलना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम बोलने लगेंगे। लेकिन कहेंगे तो यही कि फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, जो भी पढ़िए, भले ही आधे घंटा पढ़िए, लेकिन आधे घंटा में अगर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया तो आपका जीवन धन्य हो गया। अब 10 वो पढ़े लेकिन कुछ क्लियर ही नहीं, बाद में क्या पढ़ें? मान लो आप पढ़ें और आपको टीचर के जगह पे बैठा दिया जाए कि आप जाके पढ़े नहीं, जब पढ़ा पाइएगा तो वैसा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मन से पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन मन से पढ़िए। तो मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।